मैरिड लाइफ का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट होता है कि आपकी हेल्दी सेक्सुअल लाइफ हो, और इंटिमेसी से जुड़ा हुआ एक बड़ा डर ये रहता है कि कहीं अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो जाए। अक्सर लेडीज अनवांटेड प्रेगनेंसी से बचने के लिए पीरियड्स के बाद आने वाले सेफ पीरियड के बारे में जानना चाहती हैं। ये सुरक्षित समय वो पीरियड है जब अनप्रिडिक्टेड सेक्स के बाद भी आप प्रेग्नेंट होने के मिनिमम चांसेस एक्सपेक्ट करते हो। हालांकि ये चांसेस पूरी तरह से खत्म तो नहीं हो सकते, तो इस वीडियो में आज हम ये जानेंगे कि आप अपने सेफ पीरियड को कैसे पहचान सकती हैं। हाउ टू नो योर सेफ डेज। प्रेगनेंसी एस्टैब्लिश होने के मैक्सिमम चांसेस आपके ओव्यूलेशन पीरियड के दौरान होते हैं। दरअसल इस समय फीमेल पार्टनर की ओवरीज एग्स रिलीज करती हैं। इस दौरान सेक्सुअल रिलेशन बनाने पर स्पर्म एग्स के साथ कंबाइन होते हैं और इस प्रोसेस को एग्स का फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। फर्टिलाइज्ड एग्स के यूट्रस की लाइनिंग में इम्प्लांट होते ही प्रेगनेंसी का एक पीरियड शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को समझने के बाद हमें ये क्लियर हो गया कि प्रेगनेंसी होने के चांसेस हर महीने ओव्यूलेशन के दौरान सबसे ज्यादा रहते हैं, और इसलिए इस कैलकुलेशन के हिसाब से महीने के बाकी दिन प्रेगनेंसी होने के लिए उतने सूटेबल नहीं है, या फिर यूं कहें कि सेफ कंसिडर किए जाते हैं। तो अब सवाल ये आता है कि इन दिनों को किस तरह से आइडेंटिफाई किया जाए। इसके लिए आपको सबसे पहले एक मेंस्ट्रुअल कैलेंडर मेंटेन करना होगा, जिसमें आपको 3 से 4 महीने तक अपने पीरियड का पहला दिन नोट करना होगा। इस तरह आपको अपने मंथली साइकिल की एग्जैक्ट ड्यूरेशन पता चल जाएगी कि ये 28 दिन का है या 30 से 32 दिन का है। ये ड्यूरेशन हर महिला में अलग अलग हो सकती है। अब आपको अपने मंथली साइकिल में ओव्यूलेशन के डेज के अलावा बचे हुए दिनों में सेफ पीरियड को आइडेंटिफाई करना है, और बस हो गया आपका काम। मेथड्स टू कैलकुलेट द सेफ पीरियड। आपका फर्स्ट स्टेप था 3 से 4 महीने तक अपने पीरियड्स की डेट को नोट करना, अज्यूमिंग कि आप ऐसा कर चुकी हैं और अब आपको पता है कि आपका मंथली साइकिल 28 दिन का होता है। नेक्स्ट स्टेप में अपना सेफ पीरियड कैलकुलेट करने के लिए आपको 31 दिन का एक कैलेंडर मेंटेन करना है, और जिस डेट को आपका पीरियड शुरू होगा वो आपका मंथली साइकिल का पहला दिन काउंट किया जाएगा। मान लीजिए आपको 4 जनवरी को पीरियड शुरू हुए, तो आप 4 जनवरी को कैलेंडर में अपने पहले दिन की तरह मार्क कर लीजिए। इसी तरह आप अपने अगले 28 डेज को कैलेंडर में मार्क कर ले। आपका 28th डे कैलेंडर में 31st जनवरी को मार्क होगा। अब इस मेंस्ट्रुअल साइकिल के फर्स्ट डे से काउंट करते हुए 14th डे को आइडेंटिफाई करें, जो कि 17th ऑफ जनवरी को होगा। 14th दिन आपके मोस्ट पॉसिबल ओव्यूलेशन डेज होंगे। इस डेट के 3 दिन पहले और 3 दिन बाद, यानी कि 14th जैन से लेकर 20th जैन, एक हफ्ते का पीरियड आपका मोस्ट अनसेफ पीरियड है, और अगर आपको फैमिली प्लान करनी है तो इस दौरान प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस रहेंगे। अब जानिए इस कैलेंडर के उन डेज को जो आपके लिए सेफ है। आपके पीरियड शुरू होने के दिन, यानी कि 4th ऑफ जनवरी से लेकर 13th जनवरी तक का समय आपके लिए सेफ पीरियड है। 14th जनवरी यानी कि आपके मंथली कैलेंडर के 11th डे से ये सेफ्टी कम हो जाती है, जो ओव्यूलेशन को क्रॉस करते हुए 20th जनवरी तक कम ही रहती है। 31st जनवरी को आपके मंथली साइकिल के 28th डे होगा, इसे भी आप सेफ पीरियड में काउंट कर सकती हैं। 28th डे पर आपका नेक्स्ट पीरियड शेड्यूल होगा। इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेम्बर, ये कैलकुलेशन मोस्ट एक्यूरेटली तब काम करता है जब आपके पीरियड रेगुलर हो, और अगर आपका मंथली कैलेंडर 28 डेज का हो। अगर आपको इरेगुलर पीरियड्स की प्रॉब्लम है, तब आपको इस मेथड के अकॉर्डिंग ना चलकर बर्थ कंट्रोल मेजर्स यूज करने चाहिए, क्योंकि ऐसे में ओव्यूलेशन की एग्जैक्ट डेट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और अगर आपको हर 3 हफ्ते में मेंस्ट्रुएशन होता हो, तब भी ये मेथड आपको एक्यूरेट रिजल्ट नहीं देगा, और ऐसे में आपको बर्थ कंट्रोल मेजर्स का यूज करना होगा। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने विचार व्यक्त करें, और अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इस इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को शेयर करना ना भूलें। साथ ही सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि टाइम टू टाइम हमारी तरफ से आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा।